टूटा हुआ मन यहोवा को खुश करता है, प्रसन्न करता है। इसलिए हे जाति जाति के लोगों, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा का गुणगान गाओ, अपनी आवाज को उठाइए और यहोवा की महिमा कीजिए, क्योंकि परमेश्वर तो भला है। आमेन। वो हमें यूं ही स्तुति के द्वारा, आराधना के द्वारा, महिमा के द्वारा भर देते हैं। आमेन। जब हम टूटे हुए हृदय को परमेश्वर के करीब लाते हैं तो यहोवा का कहे, यहोवा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, yes, धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदावर कि आज का दिन आपने हमें दिया, oh, yes, जीवित Lord. रखा ताकि हम Jesus. सब मिलकर या आपकी स्तुति करें। आमेन। प्रभु जी आपकी स्तुति करें। इसलिए यहोवा आपने मुझे कभी छोड़ा नहीं, कभी त्यागा नहीं, oh, मेरे यहोवा मैं आपकी महिमा करता, ऊंचे शब्दों में महिमा करता, झांझ बजाते हुए, बीना बजाते हुए यहोवा आपकी महिमा करता, हाथों को उठाते हुए यहोवा हम सब आपकी महिमा करते हैं। आज का दिन आपने हमें जिंदा रखा ताकि हम मिलकर यहोवा यूं ही आपकी महिमा करें। जितने भी ऑनलाइन परमेश्वर के बेटे और बेटियां आराधना करते हैं, पूरे मन को खोल कर आपकी स्तुति करें। आमेन, आमेन। मेरे साथ ही रहना ओ यीशु रे, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। मेरे साथ ही रहना ओ यीशु रे, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 सच्चे आराधक आपकी महिमा करते हैं। Amen, आपको Lord. खोजते हैं मेरे खुदावन को दाया, क्योंकि परमेश्वर आपकी जो महिमा करते हैं, जो सुबह उठकर आपको खोजते हैं मेरे खुदावन, आज की आशीषों को मेरे खुदावन आप अपने दास के द्वारा उन्हें यूं ही दे देते हैं। Amen, मुक्त Amen. में दे देते हैं वो आशीषें मेरे यहोवा, क्योंकि परमेश्वर आप हर जगह विराजमान। आमेन। यस लॉर्ड। यदि हम अपनी आंखों को आकाश की ओर उठाकर देखें, यहोवा वहां भी है। यदि जमीन पर देखें, यहोवा वहां भी है। आमेन। यह की स्तुति हर जगह है। बस अपने हृदय को खोले और परमेश्वर की महिमा करते रहे। आमेन। प्रेज लॉर्ड। हाँ मेरे खुदावर, दूध पिलाती माँ हमें भूल सकती है मेरे खुदावर, लेकिन आप हमें कभी नहीं भूलते। yes, आपका वायदा सच्चा है, आपके मुंह से निकला हर शब्द सच्चा है मेरे खुदावर। आपने हमसे प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, तुम्हें कभी ना भूलूंगा। हाँ मेरे खुदावर, जब जब हमें पिता किसी सहारे की ज़रूरत पड़ी, हमें माँ की, किसी बाप की, किसी आंचल की ज़रूरत पड़ी पिता, तब तब आपने आकर हमें आंचल दिया, आपने आकर हमें सहारा दिया। yes, आपने हमें आकर हर बार एक ही बात कही कि ओ मेरी बेटी मत चिंता कर, मैं तेरे साथ हूँ, मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं हम हर पल तेरी रक्षा करूँगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। सचमुच पिता हम आपकी महिमा करते हैं। हम आज के दिन इस महामारी के इन्फेक्शन के दिनों में देख रहे हैं कैसे माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ जाते हैं। yes, कैसे बच्चे महामारी से डरते हुए अपने माँ बाप को
तो छोड़ रहे हैं, लेकिन यहोवा हमें कभी नहीं छोड़ रहे। चाहे हम रोग में भी परमेश्वर को याद करें, हालेलुया, वो बीमारियों में दुख में याद करें, परंतु यहोवा हमें त्यागते नहीं, छोड़ते नहीं, बल्कि हमें उन बीमारियों से छुटकारा देते हैं, नजात देते हैं। इसलिए परमेश्वर की महिमा में बने रहे, ताकि कोई रोग, ताकि कोई दुख आपके निकट ना आ सके। आमेन। वायदा सच्चा है। Yes, Father. जमीन टल सकती है, आसमान टल सकता है, आपका कहा हुआ शब्द ना टलेगा। Yes, मेरे Lord, Amen. माता पिता तुझको भूल सकते हैं, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, मेरे साथ ही रहना यीशु रे, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा, मेरे साथ ही रहना ओ यीशु रे, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर आपकी महिमा हो। जो लोग बीमार हैं मेरे खुदावर, वो आपकी महिमा करते हैं मेरे खुदावर। Yes, Lord. आज छुटकारा उनका है। Amen. आज नई ताजगी उनके लिए है मेरे यहोवा। Yes, Lord. हाँ परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि मैं बहरा नहीं जो तेरी दुहाइयों को ना सुन सकूं। Yes, Lord. आप हमारे गिड़गिड़ाने को सुनते हैं, हमारे रोने को आप देखते हैं मेरे खुदावर। पिता, जब जब हम रोए, जब हम रोते थे, आंसू बहाते थे, तब पिता आपने एक माँ की तरह हमें संभाला। Yes, Lord. आपने हमें संभाला मेरे खुदावन, हमारे आंसुओं को सदा के लिए आपने पोंछ डाला। Yes, जब हम दुखी थे, परेशान थे मेरे खुदावन, तब आपने एक पिता की तरह, जैसे एक पिता अपने बच्चों को अपने पंखों में छुपा कर रखता है, वैसे ही आपने भी पिता हमें अपने पाख परों में संभाल लिया मेरे खुदावन। सारे दुखों को, सारी परेशानियों को आपने हमारी जिंदगी से मिटा दिया मेरे खुदावन। सचमुच पिता, हमें आप ही के साथ रहना है, हमें आप ही के संग जीना है मेरे खुदाव, क्योंकि आपके सिवाय हमारा कोई नहीं है मेरे खुदा, जो हर पल हमारे साथ रहे, हमें इतना प्यार करे पिता, वैसा हमारी जिंदगी में कोई नहीं है मेरे खुदाव। लॉर्ड, हाँ मेरे यहोवा, मुसीबतों ने, बीमारियों ने, दुखों ने हम पर चढ़ाई कर दी थी मेरे खुदा, लेकिन यहोवा जब हमने आपके सामने गिड़गिड़ाए, जब हम मेरे यहोवा आपके सामने हमने दुहाई दी मेरे खुदा, अपने मनों के दरवाजे को खोल दिया, तो परमेश्वर आप हमारे हृदय में आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो दुखों की चढ़ाई दूर हो गई मेरे खुदा, हालेलुया, मुसीबतें खत्म हो गई मेरे यहोवा, आपकी महिमा होने पाए मेरे आमें, खुदा। आमें। हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा, देते हैं महिमा, आपको देते हैं मेरे देते, क्योंकि आप महिमा के योग्य Yes, हैं मेरे खुदा, हर एक आंसुओं को पहुंचने की सामर्थ आप में है। आमेन, आमेन। आंसुओं के समय मेरी माँ तुम बनो, दुखों के समय मेरे पिता तुम बनो,
था मेरे यहोवा, जब आपके बेटे और बेटियां दुखी थे तो परमेश्वर आपने किसी ना किसी को सहायता के लिए भेजा मेरे खुदा, और उनसे कहा कि एक बार अभिनोद प्रोजिया मिनिस्ट्री में जाइए और परमेश्वर के दास के वचनों को सुनिए जो वो परमेश्वर से प्राप्त करके हमें सुनाते हैं। एक बार इस वीडियो को देखिए तो यहोवा, जब उन्होंने विश्वास किया और उस वीडियो को देखना शुरू किया, उनके आंसू पोंछे गए मेरे खुदा, उनकी पथरियां रसौलियां गायब होने लगी मेरे खुदा, उनके दुख सुख में बदल गए मेरे आमेन, जो पहाड़ जैसी जिंदगी लगती थी, जो कहते थे परमेश्वर कि मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं जीना चाहता, आज वो इस वीडियो के द्वारा, इस पिता परमेश्वर आपकी महिमा के द्वारा मेरे खुदावन वो चंगाई पा गए, मेरे मुक्त हो गए। आपने अपने दास के द्वारा जो वचन सुनाया उन्हें शांति दी मेरे खुदावन, आपने कहा मेरे बेटे मेरे बेटी मैं आज भी आंसू पोंछने की ताकत रखता हूँ, ये तुम्हारे घर में जो लड़ाई झगड़े हैं इन्हें खत्म करने की मेरे पास शक्ति है, मेरे पास सामर्थ्य है। जितनों ने आपको ग्रहण किया इस वीडियो के द्वारा मेरे यहोवा पिता, जो आपके दास ने वचन सुनाए उन्होंने ग्रहण किए, अपने हृदय की पट्टियों पर लिख लिया, आज वो नजात पा चुके, आज वो छुटकारा पा सके, आज वो खुद तो बचे औरों को बचाने वाले बन चुके हैं। आमेन, आपकी स्तुति करते हैं मेरे खुदा, यहोवा आपकी महिमा करते हैं, आपने उनके डगमगाते हुए पैरों को संभाल लिया मेरे यहोवा। आज भी आप देखें, यदि आपके आस पड़ोस में कोई बीमार है तो परमेश्वर के करीब लेकर आए और कहें, भाई मेरी बहन यदि आप दुखी है तो एक बार इस वीडियो को देखें, एक बार इस वचन को सुनिए, आप नजात पाएंगे, छुटकारा पाएंगे, गाई पाएंगे, और जैसी जिंदगी जो हो गई उसमें विश्राम पाएंगे। ओह प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर ने कहा तू खुद बच, औरों को बचाने वाला बन, और मेरे राज्य में दाखिल होने वाला बन। तो आइए मिलकर यह की स्तुति करें, जैसे हमें परमेश्वर ने चुना वैसे हम भी परमेश्वर की महिमा का कारण बने। आमेन, परमेश्वर को कहें, परमेश्वर मैं भी अपने आस पड़ोस में लोगों को बचाने वाला बन। यस लॉर्ड, आमेन। इसलिए जब भी आपको समय मिले तो आप बताएं लोगों को कि आज भी यहोवा वो जिंदा परमेश्वर इस महामारी से हमें बाहर निकालने की सामर्थ रखते हैं। आमेन। तो आप देखिए कैसे उनके आंसू पहुंचे जाएंगे। आमेन। कैसे माँ की तिस से बढ़कर यहोवा उनको शांति दे। प्रेज द लॉर्ड, लॉर्ड साथ ही रहना, ओ यीशुवे मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा, मेरे साथ ही रहना, ओ यीशुवे मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। जाए आज की रात में, आनंदित हो जाए परमेश्वर की महिमा में, आज कोई दुख आपके निकट ना आएगा, आज कोई बीमारी आपको छू ना पाएगी, आज कोई अंधकार की शक्ति आपके जीवन में ना रह पाएगी, क्योंकि हम सब यहोवा की लहू के द्वारा खरीदे गए लोग, परमेश्वर ने हमें मोल ले लिया, उस अंधकार की शक्तियों को हरा कर जय प्राप्त कर
यहोवा हमारे हृदय में आ गए। ओह प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का वचन हमें जीवित रखता है। आमेन। और आराधना से बंधन टूटते हैं। आमेन। यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम में भलाई है, यीशु नाम में दुहाई यीशुवे। यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम में भलाई है, यीशु नाम में दुहाई यीशुवे। Hallelujah, hallelujah, hallelujah.